तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फसल और आप देख रहे हैं मेरा टॉक गाइस। यहां पर आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूं मैं गाइस, पोको M2 प्रो वर्सेस रियलमी 6 गाइस, कंपैरिजन देने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। उससे पहले गाइस वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं गाइस, जिन लोगों ने रेडमी का नोट 9 प्रो खरीदा था उनका रिएक्शन कुछ टाइप का होगा। आज के जमाने में गाना गा रहे होंगे, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, ऐसे गाना गा रहे होंगे इस टाइम, क्योंकि गाइस फोन ही ऐसा निकल गया पोको M2 प्रो का, रेडमी नोट 9 प्रो को उसने एकदम किल कर दिया, सेम प्राइस में निकला है और सेम ही ब्रांड है गाइस। वो गाइस यही गाना गा रहे होंगे, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गया रेडमी तेरी मोहब्बत में, गाइस ये गाना गा रहे होंगे क्योंकि गाइस दोनों सेम ब्रांड के फोन थे। और गाइस प्रो जो पोको M2 प्रो आया गाइस, हम सबको लग रहा था कि वो गाइस आएगा रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स से कम्पीट करने के लिए, लेकिन वो आ गया प्रो से कम्पीट करने के लिए सेम प्राइस पे और से ज्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है। चलिए गाइस कंपैरिजन उसका नहीं करना, हमें करना है रेडमी के नोट रियलमी 6 का वर्सेस पोको M2 प्रो कंपैरिजन। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया सब्सक्राइब करके पहले के अंदर बताना, क्योंकि हमारे चैनल पर टारगेट चल रहा है 31 अगस्त तक 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरा करने, और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट से शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं। बिल्ड क्वालिटी का कहते हैं आपको दोनों की इमेज दिख रही होगी, पोको M2 प्रो है और यह है रियलमी का 6, तो आपको दोनों की इमेज दिख रही होंगे। यहाँ पे पोको M2 प्रो आता है ग्लास बिल्ड के साथ, जबकि कहते अगर हम बात करते हैं हमारे रियलमी 6 की वो आता है पॉलीकार्बोनेट के साथ। तो सिंपल सी बात है, कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स ज्यादा प्रीमियम लगता है आपको अगर हाथ में पकड़ोगे, और अगर फ्रेंड सर्कल में जाओगे अपने तो वो लोग भी कहेंगे कि हाँ यार ये फोन थोड़ा नया और इंस्पायरिंग से थोड़ा चिल सा लगता है, ये फोन काफी ज्यादा अच्छा लगता है और बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है उसकी। रियली गाइस मैंने रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स पकड़ा है और प्रो भी है इसी का तरह सेम पोको M2 प्रो भी, तो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है पकड़ के। तो मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट से ज्यादा प्रीमियम है, और जो डिजाइन है रेडमी नोट 9 आ रहा है बार बार पोको M2 प्रो का, वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू रियलमी 6, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से, गाइस डिस्प्ले की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर गाइस, डिस्प्ले पे आगे बढ़ने से मैं बता दूंगा इन दोनों का प्राइस रेंज में 1,000 का फर्क है। ये मुझे लगा याद नहीं रहता गाइस, अभी मुझे याद आया कि रियलमी सिक्स प्रो का प्राइस हाइक हुआ है, तो मुझे लगा कि रियलमी 6 से भी हो सकता है प्राइस हाइक हुआ। तो गाइस मैं फटाफट से फ्लिपकार्ट पे गया, मैं चेकआउट करता हूँ, हाँ गाइस 1,000 का प्राइस का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपका माइंड में दिमाग में याद रखना है क्या हमें 1,000 रुपये ज्यादा देने हैं रियलमी 6 के लिए, या फिर हम 1,000 रुपये बचा के एक और अच्छा फोन ले सकते हैं रियलमी 6 से, जो है पोको M2 प्रो। चलिए शुरू करते हैं डिस्प्ले के बारे में बता दो गाइस। यहाँ पे आपको पोको M2 प्रो में देखने को मिलती है 6.67 इंच की एक फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो सिंपल 60Hz की डिस्प्ले है, कोई हाई रिफ्रेश रेट आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन गाइस उसमें खासियत है गाइस, जो 500 nits की ब्राइटनेस है, मतलब काफी ब्राइट डिस्प्ले है। अगर गए आप उसकी ब्राइटनेस को 20% 25% भी करोगे तो भी आपको काफी ज्यादा विजिबल हो रहेगा, और अगर आउटडोर में हो तो 50% आपको विजिबल हो रहेगा, और 500 nits की डिस्प्ले अच्छी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रियलमी 6 प्रो की, तो रियलमी 6 प्रो आपको देखने को मिलती है 6.5 इंच की एक IPS फुल HD डिस्प्ले, जिसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो काफी सारे इंप्रेसिव चीज है। लेकिन भाई बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है, जो कमेंट करते हैं कि रियलमी 6 से हमने लेकर थोड़ा पछताए हैं, क्योंकि रियलमी 6 में थोड़ा हीटिंग इशू भी देखने को मिला है हमें, और उसका डिस्प्ले है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, खासकर आउटडोर लाइटनिंग में इसका डिस्प्ले काफी ज्यादा डिम लगता है हमें, और इसका हाई रिफ्रेश रेट भी इतना ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा है। चलिए गाइस अगर हम ऑन पेपर देखते हैं अभी तो रियलमी 6 जीत जाता है। और वही ब्राइटनेस की बात करेंगे, इसकी ब्राइटनेस है गाइस रियलमी 6 की ब्राइटनेस है 415 nits, 500 nits का आगे बहुत ज्यादा कम है। इसलिए अगर मैं डिस्प्ले में बात करूं तो मैं कह सकता हूँ दोनों बराबर हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा पार्ट नहीं है यहाँ पे। मैं अगर बताऊँ तो दोनों बराबर हैं, और पीछे से गाइस पोको M2 प्रो आगे चल रहा है, क्योंकि गाइस मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया है कि रियलमी 6 का डिस्प्ले इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। फिर भी गाइस अगर मैं बताता हूँ गाइस, तो मुझे दोनों ही ठीक लग रहे हैं। मतलब यहाँ पे रियलमी 6 में गाइस 90Hz का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो आपको गाइस गेमिंग के वक्त काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। गाइस अगर हम आगे बढ़ते हैं गाइस, उसमें बैटरी और चार्जिंग का टाइम है गाइस, तो बैटरी का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है रियलमी 6 में 4300 mAh की गाइस, जिसके साथ आपको मिल रहा है 30W का फास्ट चार्जर नोट गाइस काफी ज्यादा अच्छा है 30W का, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, बहुत कम ब्रांड देती हैं इस प्राइस में 30W का चार्जर। अगर हम यही बात करते हैं गाइस हमारे पोको के M2 प्रो की, इसमें हमको देखने को मिलता है 5000 mAh की बैटरी, 5000 mAh की बैटरी के साथ आपको देखने को मिलता है 33W का चार्जर। सिंपली गाइस यहाँ पे पोको M2 प्रो क्लियरली किल कर रहा है रियलमी 6 को, क्लियरली किल कर रहा है, मतलब बिल्कुल किल कर दिया। मतलब यहाँ पर अगर आपने 3 पॉइंट देखे हो अभी तक, बिल्ड क्वालिटी में पोको M2 प्रो ने यहाँ पे बहुत आराम से बाजी मार ली, डिस्प्ले में गाइस दोनों ही तकरीबन बराबर है, कोई ऐसा बहुत तगड़ा फर्क नहीं है, दोनों पंचोल नॉच है और काफी दोनों के ब्राइटनेस अच्छी है। बस मैं कहता हूँ 90Hz की एडवांटेज है, तो यहाँ पे मैं उसे एडवांटेज दे देता हूँ।
बैटरी में गई बात करूँ तो 5000 mAh और 4300 mAh में 700 mAh का फर्क है, यानी 4 से 5 घंटे से सारा का बैटरी बैकअप आपको फर्क देखने को मिलेगा। उसकी वजह यह भी है कि चूंकि उसमें प्रोसेसर है वो है 720G और उसमें सैमसंग मिनीटेक का G90T, तो जो बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 720G। दूसरी बात गाइस, आप अगर इसमें 90Hz का डिस्प्ले यूज करते हैं रियलमी 6 में तो आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। जल्दी ड्रेन का मतलब बहुत जल्दी ड्रेन होगी, क्योंकि गाइस बहुत सारा मैंने देखा है जो पोको, मैंने कहा थी पोको एक्स 2 में नोटिस कराया है, इस बैटरी ज्यादा जल्दी ड्रेन होती है अगर आप 90Hz पे यूज करते हो, ज्यादा जल्दी मतलब अच्छी खासी ज्यादा बैटरी ड्रेन हो जाती है। तो अभी टॉपिक सेट से नहीं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैटरी के बारे में तो शायद यहाँ पे आपको टेक यूट्यूबर की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपली पता चल रहा है कि पोको M2 प्रो बहुत बड़ी बात ही मान लेता है। 5000 mAh बैटरी और 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव बनाता है उसको। अगर हम आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पे कैमरा को लेकर, गाइस कैमरा गाइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी मोबाइल के लिए, क्योंकि गाइस गाइस हम सिर्फ गाइस गेमिंग करनी नहीं है, सिर्फ गाइस फोन चलाना नहीं है, हमें फोटो भी खींचते हैं ताकि अच्छे अच्छे बढ़िया फोटो खींचने होते हैं हमें। तो अगर हम फ्रंट कैमरे से शुरुआत करते हैं यहाँ पे, दोनों का फ्रंट कैमरा बिल्कुल सेम है, 16 मेगापिक्सल का बिल्टो सेम है, कोई बड़ा फर्क नहीं है यहाँ पे। और अगर मैं बताऊंगा दोनों ही अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, मैंने ट्राई करा है रियलमी 6 पोको M2 प्रो मैंने ट्राई नहीं करा, पोको और रेडमी नोट 9 प्रो भी ट्राई नहीं करा, लेकिन मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है तो कैमरा दोनों का ही सही है मेरे हिसाब से, कोई बड़ा कंपेरिजन लायक है नहीं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से 16 मेगापिक्सल कैमरा दोनों का सही है, फ्रंट के लिए बढ़िया है। और अगर हम बात करते हैं बैक कैमरा के बारे में, यहाँ पर थोड़ी सी कहानी चेंज है गाइस। अगर हम बात करते हैं पोको M2 प्रो के बारे में, अगर हम पोको M2 प्रो से स्टार्ट करते हैं तो पोको M2 प्रो का जो मेन सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का, जो सोनी IMX586 वाला सेंसर है। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो मेन सेंसर रियलमी 6 का, उसमें क्वाड कैमरा सेटअप है वो है 64 मेगापिक्सल और सैमसंग का DW1 सेंसर है। तो यहाँ पे कौन सा बेटर हुआ, सीरीज वाला तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा वो ज्यादा बेटर हुआ, किसमें को सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि गाइस ये दोनों ही कंपनी तकरीबन सेम है और इनमें गाइस को जब तक कैमरा ऑप्टिमाइजेशन का रोल ज्यादा पहले होता नहीं है गाइस, ये एप्पल नहीं है जो एकदम 12 मेगापिक्सल को वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा बना दे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो दोनों ही मेरे ख्याल से सही है और 14 मई जितने वो इतना गेम में नहीं खुश रहे मेगापिक्सल के, दोनों ही सही है, मैं ये नहीं कह सकता वो बिल्कुल बेकार है अच्छा है। तो गाइस अगर हम मेगापिक्सल पे देखते हैं, अगर रियलमी 6 यहाँ पर है तो पोको M2 प्रो यहाँ पर है, तो पोको M2 प्रो यहाँ पे जीत जाता है, नो डाउट है यहाँ पे अच्छा फोन है पोको M2 प्रो। पोको M2 प्रो गाइस सॉरी गलती बोल दी गाइस, रियलमी 6 यहाँ पे जीत जाता है इसके मतलब पोको M2 प्रो। तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा, अगर हम गाइस बात करते हैं अगले सेंसर के बारे में गाइस, यहाँ पे रियलमी 6 में गाइस आपको देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, जबकि गाइस आपको यहाँ पे पोको M2 प्रो में देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, यहाँ पे टाई हो रहा है 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है पोको M2 प्रो में, जबकि आपको रियलमी 6 में देखने को मिलता है 2 मेगापिक्सल का। अरे क्या है क्या देख रहे हो यार, दोनों में सेम है ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैक्रो लेंस के बारे में तो रेडमी नोट 9 प्रो पोको M2 प्रो में आपको देखने को मिलता है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, जबकि आपको यहाँ पे मिलता है सिर्फ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। मैक्रो लेंस कितने लोग इस्तेमाल करते हैं यार, 5 मेगापिक्सल का भी सही है 2 मेगापिक्सल का भी सही है, टेलीफोटो थोड़ी ना है कि यार 100x जूम कर देगा, 10x वाला बोल गया 2x कर देगा 5x कर देगा, तो टेलीफोटो तो कंपेरिजन करता भी। तो कैमरे के बारे में अगर मैं रियर कैमरा बताऊँ तो रियलमी 6 का कैमरा मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। आप जो सबसे पावरफुल पार्ट है प्रोसेसर, प्रोसेसर G92 ज्यादा तगड़ा है या 720G, इट इज अप टू यू गाइस, क्योंकि गाइस दोनों ही प्रोसेसर काफी अच्छे हैं। 720G है गाइस वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी उसमें आपको देखने को मिलता है 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर बेस्ड है गाइस वो, और जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे G92 के बारे में वो 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है, जहां तक मैं अभी चेक करता हूँ। हाँ गाइस मैं कंफर्म कर रहा हूँ तो 12 नैनोमीटर का ही है, 12 नैनोमीटर का, तो बैटरी एफिशिएंट देख रहा है यहाँ पे हमारा देखने को मिलता है हमें 720G। लेकिन आपको गाइस गेमिंग अगर बहुत ज्यादा करनी है तो आप लोग सोचोगे यार हमें वो लेना चाहिए रियलमी 6, लेकिन गाइस रियलमी 6 में G90T का पूरा इस्तेमाल नहीं करेगा यहाँ पे, एज कम्पेयर टू रेडमी का नोट 9 प्रो जो निकला था यहाँ पे, नोट 8 प्रो गाइस निकला था, इसमें गाइस जो रेडमी का G90T था मिनीटेक का G90T उसका बहुत अच्छे से प्रोसेसर को बूस्ट करे गया था, एनहांस करे गया था और अच्छे से गाइस यूज करे गया था, जबकि रियलमी 6 में इतना अच्छे से यूज नहीं हुआ अभी गाइस, बहुत सारे पबजी हाई सेटिंग में भी नहीं चल रहा है। तो ये तो OTA अपडेट के द्वारा फिक्स हो रहा था, कोई ऐसी वो नहीं है। तो यार मैंने कहा दोनों ही प्रोसेसर सही है सेम है, तब मैं कुछ यहाँ पे कंपैरिजन करना नहीं चाहूंगा, जबकि अगर मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पे नेविक का सपोर्ट मिल जाता है 720G में, जबकि आपको यहाँ पे G90T में ऐसा नहीं मिलता। G90T में थोड़ा कैमरा गेमिंग थोड़ी अच्छी कर सकते हो, जबकि आप 720G में उसे थोड़ी सी लाइटर कर सकते हो। गाइस दोनों की बैटरी एफिशिएंट है, अगर बैटरी एफिशिएंसी की बात करूंगा 720G ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है। AI की बात करूंगा AI यहाँ पे 720G में ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा आपको। और गाइस अगर मैं और चीजों की बात करूँ तो ओवरऑल बता सकता हूँ गाइस मैं कि 720G एक अच्छा प्रोसेसर होती है, G90T भी बिल्कुल अच्छा प्रोसेसर होता है। यहाँ पे आप अप टू अप टू का चॉइस आप कौन सी पसंद आती है, वैसे मैं तो अपनी जगह 720G रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल तो सही है, इतनी हम हार्ड वर्क गेमिंग नहीं कर रहा करती है, गेमिंग करनी है तो आप वो भी ले सकते हो रेडमी नोट 8 प्रो। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ दोनों बराबर प्रोसेसर है तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है।
और लेकिन मैं एक और बता दूंगा, अगर आपको परफॉर्मेंस में देखना है तो क्या आपको लगेगा हल्का सा रियलमी 6 फास्ट चल रहा है, आपको ऐसा क्यों लगेगा? वो इसलिए लगेगा इसको रियलमी 6 में देखने को मिलता है 90 Hz का पैनल, गाइस 90 Hz के पैनल की वजह से फिर आप गेमिंग करोगे तो आपको हल्का फास्ट लगेगा, फास्ट इसलिए लगेगा 90 Hz में बहुत जल्दी एकदम स्क्रीन रिफ्रेश होती है तो आपको हल्का लगता है कि मेरा फोन फास्ट है, ऐसा होता नहीं है लेकिन गाइस एक अच्छी चीज़ होती है 90 Hz का पैनल देना। तो सब कुछ गाइस हमने बात कर ली, हमने यहाँ बात कर ली गाइस, हमने यहाँ बात कर ली प्राइस के बारे में, प्राइस बता देता हूँ 4GB 64GB के वेरिएंट के लिए गाइस आपको यहाँ पे पोको M2 प्रो देना पड़ेंगे 13999 यानी 14,000 रुपी, जबकि अगर हम बात करता हूँ गाइस रियलमी सिक्स की तो आपको देना पड़ेंगे यहाँ पे 14999 15,000 रुपी आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे अगर आपको फोन खरीदना है। तो वन टाउन का फर्क है, 464GB के लिए हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ली सिवाय एक चीज़ की, वो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर गाइस, आपको यहाँ पे पोको M2 प्रो इन दोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, तो इसी में ज़्यादा डिस्कस करा नहीं इसके बारे में, दोनों ही फास्ट है, दोनों पंच होल देखने को मिल जाता है आपको, सब कुछ कैसे सही है यहाँ पे, दोनों में आपको डेडिकेट माइक्रो रजिस्टर देखने को मिला, दोनों गए एंड्रॉइड 10 के साथ आते हैं और गए यहाँ पे ये आता है MIUI 11 के साथ आता है पोको का M2 प्रो का, जबकि अगर यहाँ पे ये आता है Realme UI के साथ, दोनों एंड्रॉइड 10 में बेस्ट है मैंने आपको बताया, और गाइस सब कुछ इसी टाइप का है। और अगर मैं बात करूँगा दोनों के वेट के बारे में, वेट मैं बता देता हूँ जैसे इतना कुछ बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, वैसे यहाँ पे जो रियलमी का 691 ग्राम पे है, जबकि गाइस जो हमारा पोको M2 प्रो है वो अराउंड 200 ग्राम पे है, जो यहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लूँ अगर तो गाइस मैंने चेक कर लिया 209 ग्राम का पोको M2 प्रो, मतलब वो ग्लास फिल्टर महंगा है गाइस, वो हल्का बल्कि है तो ठीक है यार, मैं गाइस इतना बड़ा फर्क नहीं कह सकता, कोई 1 किलो का तो 2.5 किलो का सही है, दोनों सही फोन है। तो मैं अगर कंक्लूजन की बात करूँ, पोको M2 प्रो यहाँ पर क्लियर विनर है, क्लियर विनर गाइस, क्योंकि अगर 15,000 रुपये में अगर आप जाते हो रियलमी 6 के लिए तो 15,000 रुपये आपको मिल जाता है पोको M2 प्रो का 6GB 64GB वाला वेरियंट, मतलब 2GB रैम एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, तो वाला वेरियंट लेना था ये 4GB का वेरियंट लोग, इसमें प्रोसेसर दोनों सेम है, सब कुछ सेम है, तो टेंशन मत लो गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर प्रोसेसर की बात करूँगा तो आप यहाँ पे फोन लो पोको M2 प्रो, क्योंकि वो ज्यादा और ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, ज्यादा अच्छा फोन है और सब कुछ यहाँ पे ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, 99% आपको वो फोन लेना चाहिए। अगर आप रियलमी के बहुत बड़े फैन हो तो आप वो भी ले सकते हो, दोनों चाइनीज कंपनी है, आपकी मर्जी, चल गए चांद तक नहीं चलते शाम तक, मिलते हैं आपसे नई वीडियो, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, जय हिंद।